दाल की चटनी और केचप। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम बच्चों के लिए शाम वक्त कुछ बनाते हैं। अप्पे बनाएंगे। अप्पे के लिए हम सूजी लेंगे, दो कटोरी सूजी है, एक कटोरी दही हम मिलाएंगे। जिस कटोरी में हमने दही ली थी उसी कटोरी से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। उसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा देकर पानी मिलाएंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा। उसको मिलाकर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। वो फर्मा रहने के लिए हम आधे घंटे छोड़ देंगे। उसके बाद हम अप्पे बनाना शुरू करेंगे। हम थोड़ी सी वेजिटेबल लिए, प्याज अपने पसंद के अनुसार आप वेजिटेबल ले सकते हो, गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्च और शिमला मिर्च। स्वाद के अनुसार हम नमक लेंगे, यहाँ पर दो चम्मच डाला स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा हम सबको लेकर अच्छी तरह मिलाएंगे। हम थोड़ी पानी लेंगे। बैटर हमारा बन गया, आइए बनाते हैं अप्पे। हम थोड़ी सी ऑयल ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद राई डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देकर बैटर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, वो नहीं तो इसी तरह हम हर सांचे में बैटर डाल लेंगे।
तीन चार मिनट तक के ढक लेंगे। ढक के उसको पकाएंगे धीमी आंच पर। अब हम थोड़ा ऑयल डिश कर लेंगे। अब हम उसको पलटेंगे। ये कितना फुला फुला बना है हमारा अप्पल। ये बच्चों के टिफिन के वो टिफिन बॉक्स के लिए अच्छा होता है। हम उनको बना कर टिफिन में सकते हैं। और हेल्दी भी होता है, बच्चों को वेजिटेबल खाना ये एक तरीका है। आजकल बच्चे तो वेजिटेबल नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग कोई ना कोई तरह उसको वेजिटेबल खिलाना पड़ता है। हम लोग झांचे के बिना भी बना सकते हैं, तावे के ऊपर डोसा की तरह हम इसको बना सकते हैं। हम हवा उसको पलट लेंगे, थोड़ी सी ऑयल लगा लेंगे। ऑयल नहीं लगाया तो चलेगा। हमारा अप्पे अब हम उनको निकाल लेंगे। अप्पे के लिए हम नारियल की चटनी बनाएंगे। नारियल, थोड़ी सी भुना हुआ चना दाल, मैं इसको भूनकर ली हूँ। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हम उसको अब पीस लेंगे। पीस कर चटनी बनाएंगे। हम एक एक अप्पे को निकाल लेंगे। देखिए कितना सा फुला फुला बना है हमारा अप्पे। इसी तरह हम हम उसको ढक लेंगे। तीन चार मिनट के बाद हम उसको पलटेंगे। आइए अब हम हरी चटनी पीस लेंगे।
अब हम उसको निकाल लेंगे। अब बन गया अपेय। अपेय में हमें नारियल और चना दाल की चटनी और केचप के साथ खाएंगे। अब जरूर बनाएंगे। आप लोग अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करने करें, कमेंट करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।